बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक वीडियो बना रहे हैं प्याज की काश्तकारी पे और मिर्च की, जिसे फसल भी कहा जाता है। और ये धनिया भी हैं सब्ज़ साथ साथ लगी हुई। तो ये प्याज हमने फरवरी में लगाए थे, आज इनको तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। तो इनकी पहली गोडी जो है वो हम काट चुके हैं, अब दूसरी शुरू है। तो मज़ीद आप और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाइन ताकि हमारी और वीडियो देखने के आपको मिले। तो मैं अब आपको प्याज की काश्तकारी के बारे बताऊंगा। ये जो है दरमियान में मिर्चों के बूटे हैं और दोनों साइड पे प्याज लगे हुए हैं वसल, यानी कि तो इनकी गोडी अभी शुरू है। इसके बाद गोडी के बाद ये जड़ी बूटियों का खात्मा भी हो जाता है और प्याज की जड़ को ताकत मिलती है, वो फूटती है और प्याज बढ़ता है। इनकी गोडी करने का यही मकसद होता है, इनकी सफाई करें और साथ में जड़ों को मजबूती मिले। तो आप देख सकते हैं हमारे तकरीबन आधी गोडी से ज़्यादा हो गई है, कुछ गोडी रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ जड़ी बूटियों जो रहती हैं अभी। ये दरमियान में मिर्चें हैं और साइड में प्याज वगैरह वसल, यानी कि वसल लगे हुए हैं, ये आप दे सकते हैं। ये तकरीबन आधे से ज़्यादा गोडी हो चुकी है। ये देखें, ये जो हमारी अब मिर्चें हैं, इंशाल्लाह ये 10-20 दिन तक मिर्चें लग जाएंगी और प्याज जो है वो तकरीबन कुछ नीचे से बड़े हो गए हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो प्याज हैं ये काफ़ी मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं, ये वाले। ये हम गोडी भी साथ साथ कर रहे हैं, अभी इनकी गोडी थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि बारिशों की वजह से, क्यों बारिश आ जाती थी इस वजह से गोडी नहीं हो पाई। तो ये ज़्यादा जड़ी बूटियाँ वगैरह हो गई हैं अभी, ये थोड़े इंशाल्लाह 2-1 दिन तक गोडी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये भाई गोडी कर रहे हैं, माशाल्लाह भाई देख लो, बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी। जड़ियाँ बूटियाँ जड़ियाँ हैं ये ख़त्म कर रहे हैं, प्याज बिल्कुल साफ सुथरा कर रहे हैं जी। देख लो तुहाडे सामने बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है जी। ऐ देख लो ए मिर्च बूटी आ गया जी, ए साफ करने लग गया जी, ए साफ हो गया जी मिर्च बूटी। एक कल नू लगा रखे फूल फल लाएगी तो मिर्च लग जाएगी बड़ी बेहतरीन। ओके जो सफ़ेद फूल वाले हैं ये धाने के बूटे हैं और जो ये गोल्डन गोल्डन वाले हैं ये सौंफ के बूटे हैं। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखें ये दाने सफ़ेद फूल वाले, और गोल्डन वाले जो हैं ये सौंफ वगैरह लगे हुए हैं। तो आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो आप देख रहे हैं ये अब जो दाने हैं, दाने ये इंशाल्लाह बीज के ऊपर हैं। ये माशाल्लाह लहसुन यानी कि थूम वगैरह, ये थूम कितना मोटी मोटी है ये आप देख सकते हैं। ये जो हैं सारे सौंफ लगे हुए हैं और दाने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी लहसुन हमारा तैयार हो गया है, इंशाल्लाह 10-15 दिन में ये इसको हमने ये तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कितनी मोटी मोटी है,
ये दाने के बूटे हैं। माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है दाने की, और इन्हें दे फूल भी बड़ों सोने लगते पे हैं। तुसी देख रहे हो काफ़ी प्यारे। मैं हूँ तेन मेथरी दिखाण लगा, मेथरी दे बीज पकते भी है इंशाल्लाह थोड़े दिन तक। ये मेथरी है फलियाँ लग गई ने, ये इन्हों का बीज ये आला। ये तुसी बीज नू देख सकते हो जिस टाइम तैयार होना ये सुरख सुरख हो जानी ने, बीज अंदर निकल आया। तो ए नाल पालक के बूटे लगे ने, पालक दे तुसी बीज देख सकते हो आला। ये पालक का बीज है जो आम साग च इस्तेमाल होंगी, और मेथरी पहले तो बहुत खूबसूरत होंगी, ये भी फुल लगते सी, हूँ इन्हें फलियाँ ला लिया ने। फलियाँ तुसी देख सकते हो, माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे फूल हैं। ये दने दे बहुत अच्छे फूल, और खुशबू इन्हें माशाल्लाह काफ़ी खुशबू होंगी है जी, तुसी देख सकते हो। सौंफ, सौंफ यानी कि बहुत बहुत जगह पे इस्तेमाल होंगे, सौंफ दे अच्छे होंगे, तुसी देख सकते हो सौंफ की पैदावार। ये सारा ही लहसुन गड़े है, थूम,